हेलो गाइस एंड नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं एक वीडियो शूट कर रहा था। वीडियो शूट मेरा खत्म हो चुका है, उसका टाइटल ये रखने वाला हूँ मैं कि एशियन ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज जिसके MRP 1000 रुपए के नीचे है और अमेजोन पे उसको ऑलमोस्ट 4+ की रेटिंग है गाइस। ठीक है, तो जब अपलोड करूंगा आप देखना, उसे आप कमेंट वमेंट करना, बताना कैसा लगेगा आपको वीडियो। तो गाइस आज बेसिकली ये ब्लॉग बनाने का मकसद कुछ ऐसा था ना बेसिकली कि बहुत दफा लोग ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उनको कि भाई अभी देखो स्पोर्ट्स शूज, व्हेन वी से स्पोर्ट्स शूज तो ठीक है दिमाग में आता है कि हाँ स्पोर्ट्स शूज ठीक है, अपर सोल पहना, जिम में गए, वॉकिंग किया, रोड पे दौड़े दौड़े दौड़े, जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड ये सब होता है। ठीक है, अब गाइस ये ब्लॉग में मुझे बेसिकली ये शेयर करना था आपके साथ में कि जो ये स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं ना, तो इनकी जो सोल जो होती है ना, नीचे का पार्ट जो कि ग्राउंड को टच होता है, वो काफी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब गाइस अगर मैं आपको कह रहा हूँ अलग अलग होते तो अलग अलग क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग में ये होता है कि एक मटेरियल उनका होता है ईवा, ठीक है, और दूसरे काफी रबर होता है, TPR होता है, ऐसे करके काफी सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब जब गाइस आप ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज जो खरीदते हो ना, तो ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज क्या होते हैं, काफी लाइट वेट होते हैं। ठीक है, तो ईवा की जो कंपाउंडिंग जो होती है ना, जिससे वो सोल बनता है, अब वो सोल से डेफिनेट सी बात है जब आप वो पहनेंगे ना, आप रोड वगैरह पे दौड़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है रोड पे क्या स्लिप करोगे, नहीं स्लिप करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और गाइस उसको अगर आप पानी में भी अगर पहनते हो ना, तो पानी में भी वो बेसिकली स्लिप नहीं करती इतना ज्यादा। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां आ जाती है जब आप उसे जिम विम पे जब यूज करते हो ना, आप जिम में बेसिकली क्या होता है देखो, आप समझा यार, अगर आप बहुत बड़े जिम में जाते हो तो वहां पे तो कैसा होता है कि वहां पे जो टाइल्स वगैरह जो लगी होती है उसके ऊपर भी एक एडिशनल फ्लोरिंग वगैरह की होती है, जब आपने एक रबर मैट वगैरह इस टाइप से कुछ भी उसमें डाला हुआ होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली बात है जब आप उसमें वर्कआउट करते हो ना, तो वर्कआउट करते हो तो क्या होता है आपके वो जो स्पोर्ट्स शूज है डेफिनेटली वो नहीं हिलते, मतलब स्लिप नहीं करते, डेफिनेटली बात है। ठीक है, तो अगर आप ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज भी खरीदते हो ना, तो वो बेसिकली स्लिप नहीं करेंगे उस मैट वगैरह पे। ठीक है, लेकिन गाइस व्हाट इफ आप जो जिम जा रहे हो और वहां पे अगर वो मैट नहीं है, अब अगर वो मैट नहीं है तो डेफिनेट सी बात है वहां पे वो टाइल्स वगैरह ही है। तो गाइस अगर वहां पे सिर्फ टाइल्स वगैरह ही है ना गाइस, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड होते हैं ना कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फॉर एन ईवा स्पोर्ट्स शूज, यू शुड गो आउट फॉर एन TPR लेयर स्पोर्ट्स शूज, जिसमें एक रबर की लेयर एक एडिशनली होती है ईवा सोल के नीचे। तो गाइस बेसिकली TPR सोल के जो भी स्पोर्ट्स शूज होते हैं ना, उससे बेसिकली हेल्प आउट ये होने वाला है कि अगर आप जहाँ पे जिम वगैरह जा रहे हो वहाँ पे अगर वो वैसी वो नई बिछाई हुई है टाइल्स के ऊपर, जैसे हम रबर मेट वगैरह इस टाइप से जो भी होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली बात है आप जब शूज पहन रहे हो TPR वाले, TPR लेयर वाले या फिर जो रबर लेयर वाले, ठीक है, उससे क्या होगा डेफिनेटली बात है आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा वो टाइल्स पे भी। लेकिन हो सकता है कि आप जब वो ईवा के स्पोर्ट शूज पहनेंगे ना, अब ईवा के स्पोर्ट्स शूज जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, जब आप जब भी शूज वगैरह खरीदते हो ना, तो उसमें सोल की जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो आप देख लिया करो। अगर वहां पे ईवा लिखा हुआ है ना, दैट सिंपली मींस कि वो लाइट वेट तो है, बट अगर आप जहाँ पे वर्कआउट करते हो वहां पे अगर उस तरीके का अगर वो नहीं है, मतलब वो फ्लोरिंग वगैरह नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो मत लो, क्योंकि आप वो पहन के डेफिनेटली बात है ट्रेडमिल में दौड़ेंगे तो आप स्लिप नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आप ट्रेडमिल से उतरेंगे और नीचे फ्लोर पे कुछ भी करने जाओगे ना, तो थोड़ा सा उसमें ग्रिप एब्सेंस होगा। ठीक है, और गाइस अगर आप वो TPR लेयर के स्पोर्ट्स शूज अगर आप लेते हो ना, आई अंडरस्टैंड कि TPR लेयर और ईवा सोल के जो स्पोर्ट्स शूज में जो ना डेफिनेट सी बात है अमाउंट वाइज डेफिनेटली फर्क होता है गाइस, अमाउंट वाइज मतलब काफी फर्क होता है कि अगर आप स्पार्क्स ब्रांड में देखने जाओ या फिर आप और भी कोई ब्रांड में देखने जाएंगे ना, तो TPR लेयर के स्पोर्ट्स शूज जो भी होते हैं ना, वो अराउंड समझो ना 900, 800, 1000, 1100, 1200 इस टाइप के रेंज में बेसिकली वो स्पोर्ट्स शूज आते हैं। और जबकि आप अगर ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज लेने जाओगे ना, तो वो बेसिकली आपको 500, 600, कभी कभार 450, 500 ये रेंज में आपको ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज डेफिनेटली मिलेंगे कोई भी ब्रांड इसके। ठीक है, अब गाइस बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ कि ईवा सोल जब मैं कह रहा हूँ तो वो किस टाइप के किस टाइप के सोल के स्पोर्ट्स शूज होते हैं, और जब मैं रबर या TPR लेयर बोल रहा हूँ तो वो किस टाइप के स्पोर्ट्स शूज, किस टाइप के किस सोल के स्पोर्ट्स शूज होते हैं। ठीक है, ये देखो ये बेसिकली इस टाइप के, ये बेसिकली जो मैं दिखा रहा हूँ ये ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छे से देख लो इसको, ऑब्वियसली बात है देख के आपको इतना नहीं मेकआउट हो पाएगा, बट यू कैन फिगर इट आउट। ठीक है, ये ईवा सोल के है बिकॉज रेट वाइज देखो ये कम होता है एज कम्पेयर टू TPR लेयर वाले। और अब मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ ना आपको, ये बेसिकली TPR लेयर के स्पोर्ट्स शूज की फोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली नीचे की तरफ आप देखेंगे ना, तो एक एडिशनल एक लेयर होती है TPR की, या यू कैन से रबर आप जो भी उसे बोलते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है डेफिनेटली बात है वो स्लिप नहीं करता है, वो ग्राउंड को बहुत अच्छे से पकड़ के चलता है। अब गाइस रही बात ब्रांड्स की, कौन से ब्रांड के हमें ये TPR लेयर के स्पोर्ट्स शूज लेने चाहिए या ईवा के स्पोर्ट्स शूज लेने चाहिए बेसिकली, तो गाइस ये इकोनॉमिक रेंज में काफी सारे ब्रांड्स है, मैं ज्यादा करके स्पार्क्स
को ज्यादा प्रमोट करता हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे पर्सनली उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बट अपार्ट फ्रॉम स्पार्क्स, यू कैन गो फॉर एशियन ब्रांड, यू कैन गो फॉर वकारू, यू कैन गो फॉर विकेसी, यू कैन गो फॉर पैरागॉन, यू कैन गो फॉर लखानी, यू कैन गो फॉर एक्वालाइट, ऐसे काफी सारे ब्रांड्स है गाइस, क्योंकि मैं एक फुटवेयर डीलर हूँ, सो आई नो ऑल दिस नेम्स वेरी बेटर गाइस। क्योंकि गाइस ऐसा है ना कि एक बार हम ले लेते हैं तो भाई ले लेते हैं तो फिर हम भाई बीइंग अ मिडिल क्लास, तो हमें डेफिनेटली उसे यूज करना ही पड़ता है। फिर हम हमारे माँ बाप को ये तो नहीं बोल सकते ना, अरे नहीं मुझे ये पसंद नहीं, मुझे तो टीपीआर लेयर वाला ही स्पोर्ट्स शूज चाहिए। तो गाइज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, तो इट्स माय ड्यूटी टू अपडेट यू। बीइंग अ फुटवेयर ट्रेडर गाइज, मुझे ये सारी चीजें पता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज ये ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि आपको थोड़ा एजुकेट कर दूं ये रिलेटेड, ईवा सोल, रबर सोल, टीपीआर सोल के, स्पोर्ट्स शूज के रिलेटेड, ठीक है, ताकि आप भी क्लियर आउट हो जाओ और जब भी आप खरीदो तो वो हिसाब से मद्देनजर रखो कि आप जहाँ पे आपका पर्पस क्या है स्पोर्ट्स शूज लेने का। अगर आप रोड पे दौड़ना चाहते हो, अगर आप रोड पे दौड़ते हो तो आप ईवा सोल के स्पोर्ट्स शूज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप जिम, प्रॉपर जिम में जा रहे हो जहाँ पे वो रबर मेट वगैरह नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड बेसिकली कि यू शुड गो फॉर बेसिकली दैट टीपीआर लेयर स्पोर्ट्स शूज। एंड अगर आप जहाँ पे जिम करते हो वहाँ पे अगर रबर लेयर वगैरह सब है, ट्रेडमिल में भी, ट्रेडमिल में तो बेसिकली होती है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टीपीआर लाइक काहे के लिए हम 900 1000 रुपए, 1100 1200 रुपए दे, हमें वो कम में ही मतलब 500 600 रुपए के स्पोर्ट्स शूज में भी वो काम हो जाता है, मतलब वो स्लिप स्लिप वगैरह नहीं करते वो सब रबर मैट्स वगैरह पे, ठीक है। और गाइस एक और चीज ये बताना चाहता हूँ ना कि बहुत दफा मैंने देखा है कि लोग काफी डीएम करते हैं, काफी मैसेजेस करते हैं, काफी कमेंट करते हैं वीडियोज के नीचे कि भाई हमारा बजट 1500 रुपए तक का है तो आप मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स शूज बताओ, या मेरा बजट 1000 रुपए तक का है, हमें मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स शूज रिकमेंड करो। तो गाइज उन लोगों के लिए सिर्फ मैं यही चीज कहूंगा ना आपको कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी या फिर ये फुटवेयर रिव्यू चैनल पे कि कौन सा बेस्ट है, गाइज देखो एक ही कोई भी बेस्ट तो नहीं होता, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ इट्स लाइक कि अगर आप स्पार्क्स में ढूंढ रहे हो कि भाई मुझे स्पार्क्स के कौन से स्पोर्ट्स शूज ये रेंज में चाहिए, तो आई वुड रिक्वेस्ट के इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग समवन, पहले आप क्या किया करो कि आप रिसर्च कर लिया करो, आप खुद अपने एंड से जितना हो सकता है ना आप उसे शॉर्टलिस्ट कर लिया करो ना, दिक्कत ही नहीं। फिर जब आपको लास्ट में जब 2 या 3 बजते हैं ना आपके शॉर्टलिस्ट में कि हाँ भी 3 2 बज गया, आप कौन सा ले आप नहीं समझ में आ रहा है, तब जाके वो किसी को भी भेजो। क्योंकि ये बहुत दफा क्या होता है, देखो हम लोग भी वीडियोज वगैरह बनाते हैं, बींग फुटबॉल ट्रेडर्स काफी काम वाम हो ऐसा ही मतलब होते हैं, हम लोग काम वाम में होते हैं, तो फिर क्या होता है कभी किसी का मैसेज आ जाता है तो फिर यार क्या होता है कि अभी उसको बेस्ट कहाँ से दे यार, देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट, ठीक है। हर कोई स्पोर्ट्स शूज अच्छा ही होता है या हर कोई स्पोर्ट्स शूज खराब ही होता है, तो नॉट खराब मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको पसंद नहीं है, वो इंटेंशन से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा खराब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सीन ऐसा ही होता है कि आप पहले अपना रिसर्च वर्क कर लिया करो, सबसे बेस्ट यही होता है, आप रिसर्च वर्क कर लिया करो। आप अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो फिर डेफिनेटली बात, आप 2 3 में अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना कि भाई रंजीत मैं ये लू के ये लू, या फिर ये 3 में से बताओ या ये 5 में से मुझे बताओ, डेफिनेट सी बात है मैं 101% आपको रिप्लाई करके उसमें डेफिनेटली आपको सोल्यूशन दूंगा उसमें। बट इफ यू गाइज आस्क कि यार 1000 रुपए तक कौन से, अगर सपोज लाइक एशियन, लाइक 1000 1000 रुपए में एशियन ब्रांड के कौन से स्पोर्ट्स होने चाहिए, तो भाई हाउ वी कैन से द नेम ऑफ एनी वन, बिकॉज जो मेरे एंगल से कुछ चीज है वो आपके एंगल से नहीं हो सकती, आपके एंगल में कोई चीज है तो मेरे एंगल से नहीं हो सकती, डेफिनेट सी बात है। तो आपको क्या पसंद है पहले वो सामने लाओ कि हाँ रंजीत जी ये रंजीत जी जी बहुत ज्यादा हो गया नॉट जी रंजीत भाई, मैं तुम्हें को बता के ये थे कि 2 तेरे को भेजे, इसमें से मेरे को एक को भी सिलेक्ट करके बता। अब तो उसमें से जब मैं एक का नाम लूंगा ना तब आपको लगेगा कि हाँ तब मजा आया, वरना बहुत दफा क्या होता है यार आप लंदन जा रहे हो और मैं इंडिया की बात करो, या मैं चाइना की बात करो, या मैं अमेरिका की बात करो, तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाता है। तो बस यही चीज कन्वे करनी थी कि आप पहले अपना रिसर्च वर्क कर लो, फिर भेजो किसी को भी और उसमें से फिर शॉर्टलिस्ट करवा के आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। होप दिस इन्फॉर्मेशन हैव डेफिनेटली एडेड वैल्यू टू यू, और डेफिनेटली गाइस कमेंट करके बताओ कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, हो ये इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई, नहीं आई नहीं आई तो भी कमेंट करके मेरे को बताओ कि हाँ भाई रंजीत भाई ये ब्लॉग ब्लॉग ठीक है भाई, थोड़ा कम करो या थोड़ा और ज्यादा बढ़ाओ, जो भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड लव यू गाइज। इस तरीके से गाइज मैं आपके साथ में लेके आता रहूंगा फुटवेयर रिव्यूज, फुटवेयर अपडेट्स एंड ब्लॉग्स, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहे और हम आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।